ये अहंकारी भाजपा है, ये जब पहले वाली भाजपा तो है ही नहीं है, और इनके द्वारा क्या सम्मान दिया जा रहा है। ये सही से आदमी से बोलते नहीं, फोन भी नहीं करते। भाई मका मान जाओ यहाँ कांग्रेस का इलाज होगा, 70 साल में कहते इंदिरा गांधी भाई कैसे जाएगी, इस तरह गई जिस तरह गधे सिर सिंह, और यही इसका होगा भारतीय जनता पार्टी का। अपनी वोटों के स्वयं जिम्मेदार है, हम क्या करना क्या नहीं, तुम ठेकेदार नहीं हो। अरे एक तरफ नागनाथ है, एक तरफ सापनाथ, सारी पार्टी ऐसी है। भाजपा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग सोमवार को पार्टी हेडक्वार्टर में शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। इससे पहले 2 मार्च को पहली लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 195 सीटों के उम्मीदवारों के नाम भाजपा द्वारा घोषित किए गए थे। वहीं सहारनपुर में हर दूसरे व्यक्ति के मन में यही सवाल है कि आखिर भाजपा सहारनपुर की लोकसभा सीट से किस उम्मीदवार को खड़ा करेगी। लोकसभा सीट की दावेदारी के लिए एक या दो नहीं बल्कि कई नाम सामने आ रहे हैं। बहरहाल भाजपा किस उम्मीदवार को खड़ा करती है ये तो कुछ दिनों में स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन इससे पहले ही त्यागी भूमिहार ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद भाजपा के लोकसभा सीट उम्मीदवार को चुनने के निर्णय में कठिनाइयां खड़ी हो सकती हैं। त्यागी समाज की तरफ से अन्य पार्टियों के समेत भाजपा को लेकर काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। त्यागी भूमिहार ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी का कहना है कि देश के विकास में त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन देश के राजनीतिक दलों ने आज इस समाज को अछूत बनाकर छोड़ दिया है। त्यागी समाज का राजनीतिक रूप से तिरस्कार किया जा रहा है जो कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि त्यागी भूमिहार समाज हमेशा से ही राष्ट्रवादी रहा है और भाजपा को बनाने में त्यागी भूमिहार समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि जनसंघ के समय से लेकर आज तक त्यागी समाज अपना 100% वोट भाजपा को देता आ रहा है, लेकिन भाजपा ने समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी खत्म कर दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राजनीतिक दल त्यागी भूमिहार समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी तय कर दें, वरना बहिष्कार के लिए तैयार रहें। इतना ही नहीं, अभी कुछ समय पहले त्यागी समाज के पुनीत त्यागी को भाजपा का महानगर अध्यक्ष बनाने पर भी नाखुशी जताते हुए कहा कि उन्हें केवल नाम का महानगर अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई अधिकारी उनका फोन तक नहीं उठाता। अगर हमारा मान रखना ही था तो उनको जिला अध्यक्ष बना देते। भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए वार्ता में मांगेराम त्यागी ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये अहंकारी भाजपा है, जब पहले वाली भाजपा तो है ही नहीं, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा। और जब तक इनका ट्रैक्टर में, ये ट्रैक्टर था जनसंघ के टाइम से, जब तक इसमें बैटरी नहीं थी तो हमारा समाज इसे खंचो फिर था, धक्के मार मार के स्टार्ट करा। अब इसकी शताब्दी बन गई, अब इसके मालिक हुए गए वहाँ से दिल्ली में लखनऊ बैठे लोग। धरातल का तो उन्हें पता नहीं कि धरातल पर क्या हो रहा। जिन सीटों पर हमारी त्यागी ब्राह्मणों की लगभग 2-2.5 लाख वोट हैं, और इनके द्वारा क्या सम्मान दिया जा रहा है। ये सही से आदमी से बोलते नहीं, फोन भी नहीं करते। भाई मका मान जाओ यहाँ कांग्रेस का इलाज होगा, 70 साल में कहते इंदिरा गांधी भाई कैसे जाएगी, इस तरह गई जिस तरह गधे के सिर सिंह, और यही इसका होगा भारतीय जनता पार्टी का। और इसमें मैं आपको बता रहा है, ये सारे एक तरफ नागनाथ, एक तरफ सापनाथ, सारी पार्टी ऐसी हैं। खतौली में हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया, लेकिन चौधरी अजीत सिंह हो या अखिलेश यादव हो, एक शब्द भी समाज के बारे में नहीं बोल रहा। तो हम और किसी ने भी आज तक तो कोई सम्मान नहीं दिया। और अगर टिकट नहीं होते ना तो भाई हम थैरव बिकने का नहीं, ध्यान करके सुन लियो, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। मेरे सौदे ना करियो, वहाँ बैठ कर टेबल पर ना बैठियो, मेरे 2-2.5 लाख वोट जो त्यागी ब्राह्मणों की है इनका सौदा ना करियो। हम अपनी वोटों के स्वयं जिम्मेदार हैं, हम क्या करना क्या नहीं, तुम ठेकेदार नहीं हो। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज यह जनपद सहारनपुर में आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मैं चेतावनी दे रहा सभी पार्टियों को कि छह बांगण करते फिरोगे, छह बांगण गाँव में नहीं घुसने गए। और जो मेरे वाले हैं अब यहाँ तो बना दिया मेरे को महानगर अध्यक्ष, देख लो वो डीएमआर कप्तान उनके फोन भी ठहरे नहीं। अरे भाई जिला अध्यक्ष बना देते, मतलब ये है इन लोगों के द्वारा इतना ढीठपना दिखाया जा रहा है। ना कोई कोई चेयरमैन, ना कोई जिला अध्यक्ष, ना कोई एमएलसी, इतना रुका रोल करने के बावजूद भी इनका जो हार रह रहा है। तो आज हमने भी भाई अब का जो है ना तेल लगा लिया, मेरे समाज ने भी कुश्ती को तैयार खड़े हम, कोई सा भी आ जाओ सब चित मिलोगे अब का। वहीं हमारे एक पत्रकार साथी ने जब उनसे प्रश्न किया कि आपका संगठन त्यागी भूमिहार ब्राह्मण महासभा है
लेकिन भाजपा ब्राह्मण समाज के ही किसी और जिसका नाम चर्चा में हो जो दावेदारी ठोक रहा हो, उदाहरण के तौर पर राघव लखनपाल शर्मा को टिकट दे देती है तो आप क्या करेंगे? इस पर मांगेराम त्यागी की क्या प्रतिक्रिया रही, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए उसका भी सही बता, अगर मैं लिया यहाँ से सहारनपुर से राघव लखनपाल को यहाँ तक टिकट मिल गया, हम यहाँ तक चुनाव लड़ने के, राघव लखनपाल को समाज जो चुनाव लड़ा होगा वो हमारा है ब्राह्मण समाज से है, लेकिन अगर उसका भी टिकट काट दिया तो यहाँ तो जो है ना एक दो दिन में ही अभी घोषणा हो जाएगी यहाँ से भी सहारनपुर में भी, तो ऐसा नहीं है। अब इकट्ठे होकर सब के सब एक उसके छतरी के नीचे हैं और सहारनपुर जनपद में भी, बागपत में, बिजनौर में, मेरठ में, गाजियाबाद में, अमरोहा में, सारे इसी तरह बहुत एक दो दिन में ही कोई ना कोई डिसीजन हो जाएंगे और वो इनके लिए भारी पड़ेगा। क्या त्यागी समाज के इस ऐलान से भाजपा के निर्णय पर कुछ फर्क पड़ेगा? क्या और पार्टियां त्यागी समाज के लिए आगे आएंगी? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब सहारनपुर पर।